वालेकुम। आज हम बनाएंगे वनीला खीर जो बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए फिर शुरू करते हैं। इस खीर के लिए मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध, थोड़े चॉप काजू, 1/2 कप रवा सूजी जिसे कहते हैं, और 1/2 कप शुगर, और 1 चम्मच वनीला एसेंस। चलिए फिर शुरू करते हैं कुकिंग। सबसे पहले हम दूध बॉईल करने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास बॉइल दूध है तो वो तो और जल्दी बन जाएगी। यहाँ पे मैं दूध पहले बॉईल कर लूँगी। दूध बॉईल करते वक्त ध्यान रखें कि हमें उसे हिलाते रहना है, वरना दूध कभी कभी नीचे से लग जाता है तो खीर में फिर ऐसा वाला दूध अच्छा नहीं लगता है। अभी दूध पूरा बॉईल हुआ नहीं है, ऐसे अभी आप देख सकते हैं कि बॉईल आने ही वाला है। इस स्टेज में हम शुगर ऐड कर देंगे चलाते हुए। शुगर क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिए। कुकिंग में कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी होती नहीं है। हम हाउसवाइफ अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से क्वांटिटी लेस या मोर कर सकती हैं। मैं इसमें अब काजू जो मैंने चॉप किए थे वो भी ऐड कर दूंगी। अभी तक दूध बॉईल हुआ नहीं है, अभी इसमें मैं धीरे धीरे करके सूजी ऐड करना स्टार्ट करूंगी। सूजी ऐड करते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप चलाते हुए ही सूजी ऐड करें, वरना सूजी की लम्स बन सकते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे इस वक्त भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूजी, मैंने यहाँ पे 1/2 कप बताई थी, लेकिन क्वांटिटी कभी कभी क्या होता है कि सूजी थोड़ी मतलब मोटी होती है, थोड़ी बारीक होती है, तो क्वांटिटी थोड़ी उस वक्त भी ध्यान रखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि इसे एकदम गाढ़ी ना हो जाए, थोड़ी पतली ही इस वक्त रखें, क्योंकि सूजी जब पकती है दूध के साथ तो वो खुद ब खुद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। देखिए मैंने इसे पतला ही रखा है, और मैं इस दूध में अब बॉईल भी आ गया है, मैं गैस स्लो कर दूंगी और इसे हिलाते हुए ही मुझे पकाना है। जब दूध में बॉईल आ जाए तो आप इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर दीजिए। और इस टाइम आप शुगर भी चेक कर लीजिए। 5 मिनट तक इसे आप इसी तरीके से पकाइए और 5 मिनट के बाद गैस ऑफ कर दीजिए। ये खीर इतनी जल्दी बनती है और इतनी टेस्टी बनती है, मेरी बच्चों की तो ये बहुत फेवरेट है। आप बनाइए, आपके बच्चों की भी फेवरेट हो जाएगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, देखिए अब खीर हमें ऐसी ही चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए, खीर की कंसिस्टेंसी बस इतनी ही होनी चाहिए कि वो स्पून से गिर जाए। चलिए फिर गैस ऑफ कर देते हैं। हमारी की वनीला खीर रेडी है। चलिए फिर डिश आउट करते हैं।
इसे आप ऐसे गर्म भी खा सकते हैं। ये ऐसे गर्म भी बहुत टेस्टी लगती है और इसे ठंडा करके फ्रिज में रख के चिल करके भी खा सकते हैं। जब ये ठंडी हो जाती है तो ये वनीला आइसक्रीम की तरह ही लगती है। इसे आप जरूर ट्राई कीजिए, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। लीजिए, तैयार है वनीला खीर। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।